चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इन राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, यानी हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए राज्य सरकारें हालात की गंभीरता से समीक्षा करें और जरूरी होने पर कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी करें। एक ओर देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और मिजोरम में पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ गई है। इसे लेकर ही केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम को अलर्ट मोड पर भेजा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए अगर कोरोना के केसेस देखें तो बीते दिनों में लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी फिर से चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। देश में कई जगह पर कोरोना डरा रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे विश्व में कई देशों के अंदर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए भारत सरकार की ओर से भी एक बार फिर से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह की जो कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम सरकारों को चिट्ठी लिखकर कोरोना संक्रमण के बढ़ते कारणों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ साथ सचिव ने कहा कि इन राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रही है, यानी हर दिन जो कोरोना के जो मिलने वाले मामलों में नई संख्या बढ़ रही है और इस बढ़ोतरी को देखते हुए सरकारी चिंता को देखे और कोविड की नई जो गाइडलाइन है उसका सुनिश्चित से पालन करवाए ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। साथ साथ जो दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और मिजोरम में बीते 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट है वो अचानक बढ़ी है, ऐसे में एक बार फिर से जो कोरोना संक्रमण के जो मामले वो देखने को मिल रहे हैं और केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और जो इन 5 राज्य इनमें अलर्ट भेजा गया है ताकि कोरोना संक्रमण के अन्य राज्यों में मामले वो नहीं बढ़ सके। साथ साथ अन्य राज्यों की ओर से भी एक बार फिर से जो गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं क्योंकि जिन राज्यों में जिस तरह से कोरोना के समय अचानक बढ़ोतरी हुई है वो एक चिंताजनक बात है। साथ साथ बात कहते हैं जिस तरह से चीन और अमेरिका में जो तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हालात है। ऐसे में इन 5 राज्यों में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले वो कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की आशंका है वो बता रहे हैं। जी लोकेश, देखिए अब 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज भी लगेगा, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए बात को जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए कि जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको भी अब बूस्टर डोज है वो लगाई जाएगी। इसमें 10 अप्रैल को बूस्टर डोज लगाने का जो प्रोग्राम है उसे किया जाएगा। इससे पहले जो बात करें तो जो बूस्टर डोज वो 60 वर्ष से अधिक उम्र, कोमोर्बिडिटी और जो कोविड सहायक और साथ साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको लगाई जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से जो कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता और जो चौथी लहर की गंभीरता को देखते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जिनके सेकेंड डोज लगाए हुए 9 महीने से अधिक हो चुका है उनको कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी जी, शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।